बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का डॉलर का रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से ओपन मार्केट का एक्सचेंज रेट, अभी भेजने चाहिए नहीं भेजने चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या मामलात हैं भाई। सबसे पहले तो जुमा मुबारक जी। अच्छा सब जो मेरे भाई ये वीडियो मेरी मतवातर देखते हैं वो तो यही बोलेंगे कि भाई तू तो 2-3 मंथ से यही बोल रहा है अभी भेजने चाहिए नहीं भेजने चाहिए, क्या यार बात मेरी सुन ले, फैसला आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। अच्छा बहरहाल कल ना एक ये कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी, एक पाकिस्तानी खातून है और उनके मतलब कि उनको जो फैमिली थी जिनके पास वो काम कर रही थी वो तंग करते थे काफ़ी, सैलरी वगैरह के मामलों को लेकर भी मुश्किल करते थे, तो वो बोल रही थी मैंने उनको छोड़ दिया मुझे काम चाहिए, तो मैंने वो उनकी वीडियो लगाई थी, तो कुछ भाइयों ने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनको नंबर सेंड किए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ उनकी यानी कि कोशिश से, वो मदीना अल मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब के ऊपर लग चुकी हैं। रात को मुझे मैसेज वगैरह किए, उन्होंने डिटेल बताई, मैं एक ना वीडियो शॉर्ट सी बनाकर आपके साथ उनकी शेयर कर दूंगा। तो बात सिर्फ करने का मकसद ये है कि तमाम मेरे परदेसी भाई जो काम जिनको नहीं मिल रहा किसी भी मामले को लेकर, वो नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, और जिन भाइयों को परदेसियों को दूसरों को भाई कोई भी किसी किस्म का बंदा अगर आपको उस काम से रिलेटेड चाहिए हो तो वो कमेंट पढ़ लीजिएगा, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। बाकी आप व्हाट्सअप नंबर मैं मुझसे वीडियो में दिखाता रहता हूँ, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। बात सिर्फ मॉरल ऑफ द स्टोरी बोल रहे जी ये कि मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी अगर परदेसी भाई है या बहन है यार अगर कोई काम नहीं है तो कोशिश करें, चलो हम मेरे जरिए या किसी और के जरिए अगर उसको काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहरहाल जी रेट के मतलब चलते हैं, और वो है जी डॉलर। भाई कल दिन टाइम डाउन था, रात टाइम तेज था, मामला पाकिस्तान में आपको पता है 278 के राउंड में पहुंच चुका है, फिर हालांकि कल 277 रुपए तकरीबन 30-40 पैसे के राउंड में था। अच्छा अगर रियाल की बात करें तो 73.5 और दरहम भाई 75 प्लस में, ये पाकिस्तान ऊपर मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो इनमें मनीग्राम का आज का जो रेट 73 रुपए 33 पैसे रखा 10, 17 और 23 सेल्फीज के साथ। मैं तमाम प्रदेशों की बात वाजह करना चाहूँगा, आज जुमा छुट्टी है जी, तमाम को छुट्टी होती है तकरीबन, तो यार अगर आप आज फ्री है ना जुमे के बाद आप निकलिएगा, मेरी बातें सुन लिए, आपके नज़दीक तरीन कोई भी ऐसा बंदा तो ज़रूर होगा, जानते तो आप होंगे, जो पाकिस्तान में होंडी के थ्रू या किसी के जैज़ कैश में इजी पैसा में या किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो वो भेज देते हैं। जैज़ कैश इजी पैसा ये तो लीगल तरीका है, होंडी वाला इलीगल है। लीगल तरीका ये है कि आप या उसको पैसे देते हैं पाकिस्तान में, नंबर वगैरह किसी में वो इजी पैसा जैज़ कैश करवा देते हैं, यार उनसे जाकर रिटर्न ले लीजिएगा, वो आपको 2 रुपए का डिफरेंट बताएंगे, ऊपर से 10-20 रियाल अजाफी भी ले लेते हैं। तो सिर्फ बात करने का मकसद ये है अगर आप उनसे भेजेंगे तो जारी सी बात रेट कम लगेगा, तो फिर आप भाई मुझे भी बोलेंगे कि भाई तू रेट क्या बता रहा है और यहाँ क्या है, बैंक का रेट बता रहा हूँ आपको मैं, और इसमें 10-20 पैसे का आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी इंजाज बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपए 43 पैसे, हाई रेट दे रहा है इंजाज बैंक, और 10, 17 और 23 सेल्फीज के साथ। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो वेस्टर्न यूनियन का भाई आज का जो रेट है वो 73 रुपए 50 साढ़े 73 रुपए वेस्टर्न यूनियन दे रहा है, और 10, 17 और 23 सेल्फीज के साथ। हम तहवील राजी राजी बैंक की बात कर लें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपए 34 पैसे, और अगर एसटीसी पे से आप भेजना चाहते हैं तो इनका आज का रेट 73 रुपए 33 पैसे है, 10, 17 और 23 सेल्फीज होती है इनकी भी। फौरी बैंक बैंक जजीरा की बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपए 49 साढ़े 73 ही बोल रहे हैं, इनका भी रेट है फौरी बैंक वेस्टर्न यूनियन, इन दोनों का रेट हाई है, इंजाज बैंक का भी ऐसे रेट आज अच्छा है, तो 10, 17 और 23 साल फीस होती है जी इनकी भी। अगर आप क्विक पे से भेजना चाहते हैं तो क्विक पे का आज का रेट 73 रुपए 37 पैसे रहा, और अगर फ्रेंडी की बात करें तो फ्रेंडी आज का रेट 73 रुपए 29 पैसे, और 10, 17 और 23 साल फीस के साथ। वीडियो क्लास में तमाम परदेसी भाइयों को ये बोलूंगा देखें रेट ये कम, ये भी मैं बोलता हूँ कम रेट नहीं है, ये भी बेहतरीन रेट है, और पिछले 2-3 मंथ से रेट टिका हुआ है। आपको पता है रियाल लास्ट टाइम 80-81 तक पहुंचा था, पाकिस्तान ओपन मार्केट में 85 तक पहुंचा था, उसके बाद रियाल डाउन होता 70-71 पर पहुंचा था, और फिर भाई बाद में 76-73 और फिर अभी यानी कि 73 के अराउंड में 73 प्लस में जा रहा है, रेट अभी भी अच्छा है। अगर आपके पाकिस्तान में आपको ज़रूरत है तो भेजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर सेव कर लें, आप 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद या उस टाइम भेजिएगा, या भाई उस टाइम अगर आप छुट्टी जाना है तो साथ लेकर जाइएगा। आज की मेरी बात याद रख लीजिएगा, अभी कैलकुलेट करके देख लें और उस टाइम कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आपको कितने लाख का फायदा होगा।